बिग बॉस 14 का खिताब जीतने के बाद एक्ट्रेस रुबीना दिलेक हर जगह छा चुकी हैं। खुद रुबीना भी इस जीत को काफी एंजॉय कर रही हैं और अपने तमाम चाहने वालों का जमकर शुक्रिया भी अदा कर रही हैं। लेकिन इस बीच रुबीना ने अपनी दूसरी शादी को लेकर भी काफी कुछ कह दिया है। जी हां, बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के बाद रुबीना ने अभिनव को लेकर अपने रिश्तों पर खुलकर बोला है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि रुबीना अभिनव को छोड़कर किसी और से शादी करने वाली हैं, तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि दूसरी शादी रुबीना अभिनव से ही करने जा रही हैं। जी हां, जैसा कि आपको पता है कि बिग बॉस 14 के घर में रुबीना दिलेक और अभिनव शुक्ला ने इस बात का खुलासा किया था कि शो में आने से पहले उनकी शादीशुदा जिंदगी बुरे दौर से गुजर रही थी। अब शो से निकलने के बाद रुबीना ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने बिग बॉस 14 में अपने सफर और पति अभिनव शुक्ला को लेकर ये बात कही है। रुबीना ने क्या कहा, सुनिए आप भी। रुबीना कहती हैं, अभिनव के सपोर्ट ने बिग बॉस के घर में मुझे बहुत मजबूत किया था। जब मैंने शो जीता तो उन्होंने गले लगाया, किस किया और बधाई दी। ये मेरे लिए बेहद खूबसूरत था कि वो मेरे साथ थे। अब मैं डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में सोच रही हूँ। जाहिर है कि मेरी दूसरी शादी होगी जिसमें जीवन भर का सफर शामिल होगा, जिसका हमने शो में एक दूसरे से वादा किया था। वही अभिनव से अपने बिगड़ते रिश्ते को लेकर रुबीना ने आगे कहा, लोगों को ये बताने का एकमात्र उद्देश्य था कि किसी भी शादी में मुद्दे होना आम बात है, कोई भी खराब रिश्ते में जा सकता है, लेकिन मायने ये रखता है कि आप उससे उभरने के लिए कितनी मजबूती से काम कर सकते हैं। फिर बिग बॉस में आना रुबीना के लिए कई मायनों में खास रहा है। एक तो वो अपने बिगड़ते रिश्ते को मजबूत बनाने में सफल रही और दूसरा कि वो इस सीजन को जीत भी गई। आपको बता दें कि जब रुबीना ने अभिनव से बिगड़ते रिश्ते का खुलासा शो में किया था, तो घर के कंटेस्टेंट्स के अलावा ऑडियंस भी काफी हैरान रह गई थी। हर किसी के मन में यही सवाल था कि क्या शो के बाद ये दोनों एक दूसरे से तलाक ले लेंगे, लेकिन रुबीना और अभिनव ने एक दूसरे को समझा और अपने रिश्ते को मजबूत बनाया। और अब रुबीना का अभिनव से दूसरी शादी वाले बयान को सुनकर यकीनन दोनों के फैंस काफी खुश होंगे। पर बात करें शो की, तो बिग बॉस 14 के विजेता की दौड़ में रुबीना के साथ सिंगर राहुल वैद्य रनर अप रहे। सलमान खान ने बिग बॉस 14 के ग्रैंड फिनाले के विनर की घोषणा की और ट्रॉफी दी। विजेता बनने के साथ ही रुबीना ने 36 लाख रूपए और ट्रॉफी भी जीत ली। हालांकि विजेता की प्राइस मनी 50 लाख रूपए थी, लेकिन उस 50 लाख रूपए में से 14 लाख रूपए लेकर राखी सावंत ने शो छोड़ने का फैसला किया था, जिसके बाद प्राइस मनी की रकम कर 36 लाख रुपए ही हो गई। हालांकि अब जब रुबीना बिग बॉस की ट्रॉफी जीत चुकी हैं और दूसरी शादी पर भी बोल चुकी हैं, तो फैंस तो यकीनन उस दिन का इंतजार करेंगे जब अभिनव और रुबीना एक बार फिर से दूल्हा दुल्हन बनेंगे और जन्मों जन्म के बंधन में फिर से बंधेंगे।